सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम तेल का उत्पादन करने वाले देश इंडोनेशिया अपनी तेल निर्यात नीति में अहम बदलाव कर रहा है। इंडोनेशिया ने निर्यातकों के तेल शिपमेंट नियंत्रण करने के संकेत दिए हैं। निर्यातकों को शिपमेंट की पूर्व परमिशन होनी होगी। निर्यात की पूर्व में सरकार को जानकारी भी देनी होगी। उत्पादकों को पहले से निर्यात की मात्रा भी बतानी होगी। इंडोनेशिया में तेल की कीमतों पर काबू करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि वहां के सबसे बड़े पाम तेल एसोसिएशन ने नई नीति से निर्यात प्रभावित नहीं होने की बात कही है। साथ ही इंडोनेशिया में नए बायोडीजल के परीक्षण से भी तेल पर असर पड़ रहा है और दाम भी सुधर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में एक दिन के अवकाश के बाद बुधवार को मार्केट खुलने पर लेवाली अच्छी होने से तेजी का वातावरण रहा। KLCI 113 प्लस और प्रोडक्शन 90 से ज्यादा प्लस पर कारोबार कर रही थी। दरअसल कच्चे तेल में मजबूती और इंडोनेशिया के ट्रेड पॉलिसी में बदलाव से सहारा मिला है। पाम तेल तिलन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। COOIT ने सरकार से दालों की तरह ही तिलहन का भी बफर स्टॉक करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही कच्चे खाद तेलों और रिफाइंड खाद तेलों के बीच आयात शुल्क के अंतर को भी दूर करने का आग्रह किया है। इधर घरेलू बाजार में सोया तेल में मांग अच्छी रहने और विदेशी तेजी का सपोर्ट मिलने से सोया तेल सुधर कर 1210 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। देश में सोयाबीन की कुल आवक करीब 2.5 लाख बोरी दही है। मध्य प्रदेश में 1,30,000 बोरी सोयाबीन पहुंच गया है। इंदौर मंडी में 5,500 बोरी सोयाबीन पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।